के सामने इंकशाफ कर दूं, मैंने कराची में तो नहीं किया ना पाकिस्तान में किया है, लेकिन मुझे एक पार्टी की तरफ से 10 करोड़ की ऑफर हुई थी जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, और मैं हल्फियन कहता हूँ मैंने उसको ठुकराया। और मैंने अपनी मीटिंग में ये बात की कि हमें अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, यानी हमें असम्बली का मेम्बर बना दिया। पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे घूमते फिर रहे हैं जो अरब पत्ती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो असम्बली का मेम्बर बने, लेकिन नहीं बन। और हमें अल्लाह ने यानी बग़ैर पैसे के बना दिया, इमरान खान की वजह से बना दिया, तो हम ये ज़मीर का सौदा सोच भी नहीं सकते हैं जी। आज हमारे साथ सैयद आफरीदी साहब मौजूद हैं, सूबाई असम्बली सिंध के मेंबर भी हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सिंध से है, स्पेशली यूके के दौरे पे आए हुए हैं और आज हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना ज़बरदस्त जो 75th जो है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, लेट्स गो टू फर्स्ट उसके ऊपर सवालात कर लेते हैं कुछ। 75 साल हो गए पाकिस्तान को, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में कितना चेंज आया और कितना आने की उम्मीद है भाई? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि 75वीं एनिवर्सरी हम सालगिरह मना रहे पाकिस्तान की। और अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से और हमारे बुज़ुर्गों के कुर्बानियों से हमें पाकिस्तान जैसा आज़ाद मुल्क मिला, जिसमें हम आज़ादी के साथ अपनी तमाम तर रसूमात और मज़हबी इज्तिमात और पूरी ज़िंदगी कारोबार गुजार रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी का मकाम है। और ये जहाँ जिस तरह इंग्लैंड में ये एल्फ्रेड लेन में जो तकरीबात हो रही है, पूरे यूके में हो रही है, आप यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में हैं। तो ये यहाँ के पाकिस्तानियों की मोहब्बत का अंदाज़ा लगा है कि कितनी उनको मोहब्बत है अपने मुल्क से, कितनी फ़िक्र है। और वैसे भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, ये जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो यहाँ से पैसे भेजते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और जहाँ तक आपने 75 साल पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान में मौसम भी मौजूद है, हर किसी चारों मौसम है। पाकिस्तान में पहाड़ भी है, दरिया भी है, मादिनियात भी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत मुल्क अल्लाह ने हमें दिया है, बड़ी कुर्बानियों से मिला है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ जो एक कमी है वो ईमानदार क़यादत की कमी है। पर सही साहब, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि आप भी खड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली उस सूबे में खड़े हैं जिसमें सबसे ज़्यादा महरूमियाँ अगर कहा जाए तो उस सूबे के अंदर है, और स्पेशली कराची में, और जिस एरिया से आपका एरिया है वो भी बड़ा एक पसमानदा एरिया के अंदर आता है। आप समझते हैं कि इंसान खड़ा रहे, और किसी तरीके से आपके कायद लीडर इमरान खान भी अब उस चीज़ के ऊपर विजन पर खड़े हैं कि हमने खड़े रहना है और उससे तब्दीली आएगी, आप समझते हैं कुछ? बिल्कुल जी, ये देखे ना, हमारे आकाए दो जहाँ खातिमुन नबीन ने कोई, अगर वो अल्लाह चाहता तो वो तो मिनटों में अल्लाह ताला अपने फजल करम से लोगों के दिलों में डाल देता, लेकिन हमारे आकाए दो जहाँ ने कितनी मेहनत की, लोगों ने यानी उनको कितनी तकालीफ़ पहुँचाई वहाँ के उस वक्त के लोगों ने, लेकिन उनकी उस आमाल से अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दीन की रोशनी फैलाई। आज हम अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करते हैं अपने आकाए दो जहान के ऊपर, लेकिन तकलीफ़ें भी तो गुजारी ना उसने। इमरान ख़ान ने कुछ 27 साल हो गए कि सियासत में वो अपनी जदोजहद कर रहे हैं, बाकी तो कोई किसी के बूट जो है ना साफ करके बना, कोई पर्ची से बना चेयरमैन। इमरान खान वाहिद पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का कि 27 साल उसने जदोजहद की, मेहनत की। जब पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली तो आप यहाँ से भेजे अपने कैमरे, वहाँ किसी को भेजे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है। आज दूसरे टेनो और तारीख में दोबारा किसी को हुकूमत नहीं मिली थी पख्तूनख्वा के लोगों ने दोबारा हुकूमत, उसकी वजह क्या है? वहाँ पे मोटरवे बन गया, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बन गई, हेल्थ कार्ड जैसी सहूलत दी गई है, वहाँ पे कुरान पाक पढ़ाना लाजमी करार दिया, मस्जिद को सोलर दिया, इमामों को, इमाम साहिबान को तनख्वाहें दी, पुलिसिंग रिफॉर्म्स लाए, वहाँ पे एजुकेशन में एक इनकलाबी इकदाम उठाए गए, तो लोग खुश हैं ना, वहाँ के ज़िंदगी की सहूलियात से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे। दूसरी तरफ आपने ज़िक्र किया सिंध का, कराची जो उसका कैपिटल है, कितना यानी आप जाके आपका दिल दुखता है। और उस पार्टी के तो 15 साल से मुसलसल
कंटिन्यूटी में हुकूमत चल रही है, तो फर्क है ना ये कि वो नहीं करना चाहते। अच्छा, अब हम थोड़ा सा, क्योंकि आपका एक बड़ा अभी मुख्तसर दौरा है, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन का है, और टाइम भी आपका बड़ा तेज़ी गुजर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का हक का बड़ा एक बहुत बड़ा जो कहा जाए कि मुतालबा था उनका, और इमरान खान ने आके उन्होंने उस मुतालबे को पूरा भी किया और चीज़ें करने की कोशिश की। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तबके हैं वो स्पेशली इसलिए डरे हुए थे कि उनके वोट बैंक ओवरसीज़ में इमरान खान का बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से 2/3 अक्सरियत वो ले लेते। आप समझते हैं कि यही मामला थे जिसकी वजह से वोट को हक नहीं दिया गया? आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया, क्योंकि जितना बेहतर इमरान खान ओवरसीज़ को समझता है और जानता है, इतना कोई नहीं जानता। तो इमरान खान ने उनको हक दिया, जो हक है वो पाकिस्तानी है ना। अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्शन कमीशन का फैसला इतना अफसोसनाक है कि उनको वो इसराइली और इंडियन समझते हैं कि फॉरेन फंडिंग हुई है, भाई वो पाकिस्तानी है, हमसे ज़्यादा दर्द रखते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन चले, अब अगर वो इसको वापस भी ले रहे ना, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ इमरान खान की हुकूमत 2/3 अक्सरियत से आएगी और इंशाल्लाह इनको ये वोट का हक देंगे। और दूसरी तरफ जो लोग अक्सर और बेशतर बोलते हैं कि इमरान खान जब गवर्नमेंट में थे उनको वो चीज़ें करनी चाहिए थी, फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्शन कमीशन वाले बंदे को नहीं रखना चाहिए था और चीज़ें और फलाना रिमाका, आप समझते हैं, क्योंकि आप तो इनके बहुत करीबी मेम्बर भी हैं और चीज़ें भी, इमरान खान को जब गवर्नमेंट भी मिली थी तो बहुत सारे इख्तियार नहीं थे उनके हाथ में, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो बंदे को भी रखने के लिए भी बोला गया, चीज़ें की गई, इसीलिए इमरान खान कहते हैं कि अब मैंने आना है तो 2/3 अक्सरियत से आनी है, उसके अलावा नहीं आना। आप समझते हैं कि वो अपना इस चीज़ को समझ गए कि गवर्नमेंट में आना है तो पूरी पावर के साथ आना चाहिए? एग्जैक्टली, देखिए इमरान खान ने हुकूमत बड़ी मुश्किल वक्त में की, बेसिकली वजह यह है कि कोविड चला 2 साल, और उससे बढ़कर यह था कि उसकी हुकूमत 4-5 सीटों पर थी, और वो 4-5 जिस भी पार्टी के होते थे वो ब्लैकमेलिंग करते थे, और वो खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि मैंने जिसकी वजह से जिनके कहने पर लगाया इलेक्शन कमीशन, वो गलत फैसला था। तो इंशाल्लाह इसका हल यही है, 2/3 अक्सरियत में आए और उसके बाद आप देखें, और आना अभी लाजिम हो गया। और लास्ट में सिंध के बारे में सवाल है, आप क्या समझते हैं, कराची और हैदराबाद में तो ऑलमोस्ट पीटीआई ने स्वीप कर दिया, एमक्यूएम और सवारी जमातों को और एएनपी को, इन सबको वो कर दिया, सिंध के अंदरूनी सिंध के अंदर आप समझते हैं एक सिंधी भी समझ गया है कि ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे और इमरान खान की कोई सपोर्टिव वहाँ से भी ज़्यादा है? एग्जैक्टली, सिंध बिल्कुल जाग उठा है। उसकी वजह यह है कि जब वो देखते हैं ना, सिंध के आवाम जब देखते हैं कि केपी में इतनी सहूलतें होगी, पंजाब में होगी, सेहत कार्ड उनको मिल गया, उनको मोटरवेज मिल गए, उनको पुलिस रिफॉर्म्स, उनको तालीम में इतने इकदाम, और सिंध में नहीं है। सिंध में आप मुझे 1 इंच मोटरवे नहीं दिखा सकते, लोग पीने के पानी से महरूम है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखे, वही कायदे आजम के दौर के कटारा बसों में सफ़र करते हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं, सड़कें टूटी फूटी, अस्पताल में जाके माली लोगों को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। तो ये सब देख के ना सिंध के आवाम ने फैसला कर लिया, और मैं दावे से कहता हूँ आपके सामने, आपके इस चैनल के ऊपर, के सिंध में अब हुकूमत पीटीआई की बननी है इंशाल्लाह। लास्ट में सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर कोई देख के आप मैसेज देना चाहें, स्पेशली एज ए इमरान खान के विजन को सामने रखते हुए? मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसिन पेश करता हूँ कि जिस तरह से ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं बाहर रह के, और पाकिस्तान में पैसे भी बेचते हैं और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे कोशिश भी करते हैं, मैं इनको इंशाल्लाह ये कहता हूँ कि आपको वोट का हक भी मिलेगा, आप इमरान खान के साथ इसी तरह शाना बशाना रहे और अपनी इस जदोजहद को मज़ीद तेज़ करें, क्योंकि वो जो माफिया लगी हुई है ना वहाँ इमरान खान के ख़िलाफ़, उनका तोड़ भी यही है कि हम आवाम, इमरान खान, आप, हम सब मिलकर इमरान खान का सपोर्ट करें और इंशाल्लाह उनको 2/3 अक्सरियत में वज़ीर आज़म बनाए, ताकि वो आज़ादाना फैसले करें कौम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत मुबारकबाद भी ये दूँगा कि आप एक मेंबर होते हुए आप भी वो मेंबर है जो बिके नहीं, जो झुके नहीं है, आपको भी बहुत सलाम है, क्योंकि इस लिहाज से भी, क्योंकि वोट लेने के बाद जो इमरान खान से एक सवाल किया गया था कि सबसे ज़्यादा दुख क्या हुआ, उनको ये भी हुआ था कि मैंने अपने जो मेंबर्स को लेके आया था वो पैसों की वजह से लालच में आके चले गए और उन्होंने छोड़ दिया, इस चीज़ के उनको बड़ा दुख था। मैं आज आपके सामने इंकशाफ कर दूँ, मैंने कराची में तो नहीं किया ना पाकिस्तान में किया है, लेकिन मुझे एक पार्टी की तरफ से 10 करोड़ की ऑफ़र हुई थी जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, और मैं हल्फियन कहता हूँ मैंने उसको ठुकराया, और मैंने अपनी मीटिंग में ये बात की कि हमें अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, यानी हमें असम्बली का मेंबर बना दिया, पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे घूमते फिर रहे हैं जो अरबपति है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो असम्बली का मेंबर बने, लेकिन नहीं बन, और हमें अल्लाह ने यानी बग़ैर पैसे के बना दिया, इमरान खान की वजह से बना दिया, तो हम ये ज़मीर का सौदा सोच भी नहीं सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने
कायम रखा और हम इमरान खान के साथ मुश्किल में भी रहे, आगे भी रहेंगे और ता यानी जब जब तक हमारा सांस होगा जिंदगी होगी हम इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के साथ हैं।